नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी की ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की अगली कड़ी में। आज हमारी इस ऑडियो आर्टिकल का विषय है छत्तीसगढ़ राज्य मिलेट मिशन तथा छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही विभिन्न कृषि योजनाएं। मैं हूं परितोष जायसवाल। लोग आमतौर पर स्वास्थ्य को बीमारी, डॉक्टर और दवाओं के नाम से जोड़ते हैं। वास्तव में अच्छा स्वास्थ्य केवल बीमारी का ना होना नहीं, बल्कि यह अच्छे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली से संबंधित है। स्वास्थ्य हमारा मौलिक अधिकार है तथा शासन की जिम्मेदारी भी। स्वस्थ बनने की प्राथमिक जिम्मेदारी व्यक्ति विशेष की होती है। पोषण की कमी खाद्यान्न की वजह से ना होकर उचित खान पान की शैली को न अपनाने से अधिक होती है। मिलेट्स अथवा मोटे अनाज की उपयोगिता को समझते हुए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में अपनाने का फैसला किया। महासभा ने भूख को मिटाने और दुनिया भर से कुपोषण के सभी प्रकारों की रोकथाम की आवश्यकता को समझते हुए अप्रैल 2016 में 2016 से 2025 तक पोषण पर संयुक्त राष्ट्र कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की। मोटे अनाज या कदन, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कुटकी, कोदो, सांवा आदि हैं, शामिल होते हैं। भारत में मोटे अनाजों की पैदावार में वृद्धि के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार बाजरा के लिए, भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान हैदराबाद ज्वार के लिए तथा छोटे मिलेट के लिए कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर को नामांकित किया गया है। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की शुरुआत 10 सितंबर 2021 को की गई। मिशन का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में किसानों को लघु धान्य फसलों की सही कीमत दिलाने, आदान सहायता, खरीदी व्यवस्था, प्रोसेसिंग तथा विशेषज्ञों से परामर्श का लाभ दिलाना है। जहां वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जाना सुनिश्चित किया गया है, वहीं मिलेट मिशन के जरिए 2023 तक छत्तीसगढ़ देश में मिलेट हब के रूप में पहचान बनाने के लिए अग्रसर है। आज इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य मिलेट मिशन की विशेषताओं तथा महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। साथ ही चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन को और अधिक कारगर बनाए जाने के उपायों के बारे में भी। इसके अलावा बात करेंगे मिलेट्स के लाभों पर भी तथा छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, जैसे चिराग योजना, चैम्स प्रणाली, TRFA तथा शाकंभरी योजना आदि के बारे में भी, तथा एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 के बारे में भी, तथा अंत में एक सकारात्मक उपसंहार के साथ चर्चा को विराम देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य मिलेट मिशन, इसकी विशेषताओं तथा महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। पहला, छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश का मिलेट हब बनने वाला है। मिलेट मिशन के तहत राज्य के किसानों को लघु धान्य फसलों की सही कीमत दिलाने, आदान सहायता देने, खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित करने, प्रोसेसिंग और विशेषज्ञों के परामर्श का लाभ दिलाने की पहल की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य का लक्ष्य लघु वनोपजों की तरह लघु धान्य फसलों को भी छत्तीसगढ़ की ताकत बनाना है। दूसरा, मिलेट्स ज्यादातर छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में बोई जाती है। वर्तमान में 20 से अधिक जिलों में इसकी पैदावार की जा रही है। लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों तथा कुपोषण से बचाव में ये अनाज बेहद कारगर है। मिलेट मिशन इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। तीसरा, साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाना सुनिश्चित किया गया है, और मिलेट मिशन के जरिए 2023 तक छत्तीसगढ़ देश में मिलेट हब के रूप में पहचान बनाने में सफल होगा। चौथा, देश विदेश में कोदो, कुटकी, रागी जैसे अनाज की मांग को बढ़ते देख मिलेट मिशन से वनांचल और आदिवासी क्षेत्र के किसानों की न केवल आमदनी बढ़ेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ को भी एक नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही इसकी मदद से किसानों, महिला स्व सहायता समूहों और युवाओं के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी सुनिश्चित किए जा सकेंगे। पांचवा, छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में कोदो, कुटकी, रागी आदि का उत्पादन होता है। प्रथम चरण में 14 जिलों के साथ MOU किया गया है। इन जिलों में कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर और जशपुर शामिल हैं। छठवां, इन 14 जिलों के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद का MOU किया गया है। इस MOU के तहत IIMR राज्य में कोदो, कुटकी एवं रागी की उत्पादकता बढ़ाने,
तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने, उच्च क्वालिटी के बीज की उपलब्धता और सीड बैंक की स्थापना के लिए सहयोग और मार्गदर्शन देना सुनिश्चित किया है। इसके अलावा मिलेट उत्पादन से जुड़ी वैज्ञानिक तकनीक का छत्तीसगढ़ के किसानों का प्रशिक्षण देने का कार्य भी IIMR हैदराबाद द्वारा किया जाएगा। ये प्रशिक्षण कृषि विकास केंद्र के माध्यम से दिया जाएगा। सातवां, IIMR द्वारा जिलों में विशेषज्ञ तैनात किए जाएंगे जो किसानों को मिलेट का उत्पादन बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन देंगे। राज्य स्तर पर सीनियर कंसल्टेंट की नियुक्ति भी की जाएगी जो मास्टर ट्रेनर की तरह कार्य करेंगे। आठवां, बस्तर, सरगुजा, कवर्धा और राजनांदगांव में लघु धान्य फसलों के सीड बैंक स्थापित किए जाएंगे। नौवां, लघु धान्य फसलों की खरीदी छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संस्था की वन धन समितियों के जरिए किया जाएगा। साथ ही इनसे तैयार उत्पादों को महानगरों के बाजारों तक पहुंचने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। दसवां, मिलेट मिशन के आगामी 5 वर्षों के लिए 170 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रबंधन DMF एवं अन्य माध्यमों से किए जाने का निर्णय लिया गया है। ग्यारहवां, मिलेट मिशन के अंतर्गत कोदो, कुटकी और रागी की फसल लेने वाले किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ तथा धान के बदले कोदो, कुटकी और रागी लेने पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ आदान सहायता भी दी जाएगी। बारहवां, राज्य सरकार ने कोदो, कुटकी, रागी का समर्थन मूल्य तय करने के साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में इन्हें भी शामिल किया है। अब इन लघु धान्य फसलों को उपजाने वाले किसानों को भी अन्य किसानों की तरह सहायता मिल पाएगी। तेरहवां, मिलेट मिशन के तहत लघु धान्य फसलों की बढ़ोतरी करने की लक्ष्य की वजह से राज्य में रोजगार का बढ़ना भी सुनिश्चित है। इस मिशन के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। चौदहवां, 7 अक्टूबर 2022 कांकेर जिले के ग्राम नथिया नवा गांव में अवनी आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा देश का सबसे पहला मिलेट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है जिसकी वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 10 से 12 हजार टन प्रतिवर्ष है। पंद्रहवां, वर्तमान में रागी 33.70 रुपए प्रति किलो तथा कोदो एवं कुटकी 30 रुपए प्रति किलो की दर से समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। आइए अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन को और अधिक कारगर कैसे बनाया जा सकता है। पहला, मिलेट या मोटे अनाजों के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु छोटे कृषकों व अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं तथा सहकारी संगठनों के बीच संबंधों और आपसी समझ को बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, मिलेट्स आधारित मिश्रित फसल प्रणाली को बढ़ावा देकर तथा प्रोत्साहन देकर भी मिलेट मिशन को और अधिक कारगर बनाया जा सकता है। तीसरा, मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहन के लिए गांव के ऊंचे क्षेत्रों या अपलैंड्स में ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों के माध्यम से पहल किए जाने की आवश्यकता है। चौथा, मोटे अनाजों के क्षेत्र परीक्षण या फील्ड ट्रायल हेतु एक पायलट परियोजना शुरू की जा सकती है। पांचवा, प्रदेश में ग्रीष्मकालीन धान की जगह मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाना ज्यादा उचित होगा। छठवा, स्व सहायता समूह को जोड़ते हुए इस हेतु एक मोटे अनाज की गैर पारंपरिक जिलों में पायलट परियोजना शुरू की जा सकती है। सातवां, आकांक्षी जिलों के कार्यक्रमों में मोटे अनाजों के उत्पादन को पोषण सुरक्षा रणनीति से जोड़ा जाना चाहिए। आठवां, मोटे अनाजों के पारंपरिक बीजों के भंडारण और उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नौवां, मोटे अनाजों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु इन अनाजों के गहनता की पद्धति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दसवां, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में उत्पादित अधिकांश मोटे अनाजों का प्रसंस्करण राज्य के बाहर नासिक, महाराष्ट्र जैसे स्थानों पर होता है। मोटे अनाजों की ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग जैसी प्रौद्योगिकी एवं मूल्य वर्धन गतिविधियों को प्रदेश में भी स्थापित और प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ग्यारहवां, धान के लिए गांवों में मिलिंग क्षमता है लेकिन मोटे अनाजों के लिए नहीं, इसलिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्राथमिक और सेकेंडरी मिलेट्स प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जानी चाहिए। बारहवां, मोटे अनाजों के लिए अलग अलग प्रसंस्करण इकाई के स्थान पर समुदाय स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयां होनी चाहिए तथा समुदाय का ही पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। तेरहवां, मोटे अनाजों के उत्पादन का विपणन राज्य आजीविका मिशन के द्वारा किया जा सकता है। चौदहवां, पोषण सुरक्षा हेतु एकीकृत बाल विकास योजना, मध्यान्ह भोजन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मोटे अनाज शामिल किए जा सकते हैं। विभिन्न कारणों से आज छत्तीसगढ़ में गैर संचारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर विवेक चौधरी के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष 20,000 नए मरीज मिलते जा रहे हैं। वहीं एक अन्य रिपोर्ट भी बताती है कि छत्तीसगढ़ में हर साल 3,00,000 नए मरीज लीवर की बीमारी से पीड़ित मिलते हैं, जो शरीर की सही डिटॉक्सिफिकेशन के ना हो पाने के कारण बीमार होते हैं, जबकि अन्य कारणों की वजह से डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम तथा दैनिक दिनचर्या में आने वाली स्वास्थ्यगत समस्याएं भी सामने आती हैं। जाहिर है इन बीमारियों से उपचार के लिए जहां एक ओर अच्छी लाइफ स्टाइल का पालन करना अनिवार्य है, वहीं अतिरिक्त खर्चे से बचने के लिए उचित तथा संतुलित आहार भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य के साथ यह देखना उचित होगा कि मिलेट्स का स्वास्थ्य पर क्या लाभ है। आइए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए मिलेट्स मिशन के तारतम्य में मिलेट्स के क्या फायदे होते हैं। पहला, मधुमेह रोग में। इंडियन डायबिटीज फेडरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में डायबिटीज के 42.5 करोड़ मरीज हैं, जिनमें 8.5 करोड़ मरीज भारत से ही हैं। आश्चर्यजनक रूप से छत्तीसगढ़ डायबिटीज की राजधानी बनते जा रहा है। मिलेट्स टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से बचाने में सहायक होते हैं। दूसरा, मोटापा कम करने में। शरीर में फैट कम करने यानी वेट लॉस में मिलेट्स बहुत सहायक होता है। बाजरे में अत्यधिक मात्रा में फाइबर तथा ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। जब मुख्य भोजन में मिलेट्स का सेवन करते हैं तो फाइबर और ट्रिप्टोफैन के कारण यह धीमी गति से पचता है और मोटापा घटाने में सहायक होता है। तीसरा, फाइबर की पूर्ति के लिए मिलेट्स का सेवन। हमारे शरीर में प्रतिदिन 38 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है। मिलेट्स में फाइबर की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, जिससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करने के साथ स्वस्थ रहने में भी मदद मिलती है। चौथा, हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक। मिलेट्स में अधिक मात्रा में मैग्नीशियम तथा पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने से रोकते हैं और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करते हैं। पांचवा, अस्थमा रोग में मिलेट्स का सेवन। मोटा अनाज बाजरा खाने से अस्थमा में अत्यधिक राहत मिलती है। मिलेट्स में पाए जाने वाले शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों के कारण अस्थमा के अटैक और घबराहट से छुटकारा दिलाने में यह उपयोगी होता है। छठवां, विटामिन बी की पूर्ति के लिए। मिलेट्स नियासिन या B3 का अच्छा स्रोत है। मिलेट्स विटामिन B3 या नियासिन को प्राप्त करने का प्राकृतिक स्रोत है। सभी प्रकार के मिलेट्स में नियासिन पाया जाता है। सातवां, झुर्रियां खत्म करने के लिए मिलेट्स का सेवन। मिलेट्स अमीनो एसिड का अच्छा स्रोत है, जिसे विज्ञान की भाषा में एल लाइसिन तथा एल प्रोलिन कहा जाता है। अमीनो एसिड शरीर में कोलेजन निर्माण में भी सहायक होता है, जो उत्तकों को संरचना देने का कार्य करते हैं। आठवां, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। मिलेट को पोषक तत्वों का पावर हाउस कहा जाता है। मिलेट शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर में पहुंचकर शरीर की उपापचय प्रक्रिया को ठीक करने में मदद करते हैं। नौवां, कैंसर रोग में मिलेट का सेवन। मिलेट्स कैंसर में भी छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्लांट लिग्नेन पाया जाता है, जो कि पाचन तंत्र में पहुंचने के बाद एनिमल लिग्नेन में बदल जाता है। ये लिग्नेन्स हमारे शरीर में पहुंचने के बाद स्टेरॉइड जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे फाइटोएस्ट्रोजन कहते हैं, जिसके कारण शरीर में कैंसर कारक कोशिकाएं नहीं पनप पाती हैं। आइए अब देखते हैं किसानों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में। पहला, चिराग परियोजना। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विश्व बैंक से प्राप्त ऋण, जो लगभग 1,036 करोड़ रुपए है, से चिराग परियोजना छत्तीसगढ़ के 8 जिलों दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर तथा मुंगेली के 14 विकास खंडों में लगभग 1,000 गांवों में संचालित हो रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अंचल के ग्रामीणों को पोषित आहार उपलब्ध कराना, वर्ष भर डाइवर्सिफाइड खेती तथा कृषकों की आमदनी में वृद्धि करना है। इस परियोजना के अंतर्गत वर्ष भर डाइवर्सिफाइड खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्लाइमेट सेंसिटिव फसलों पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे प्रत्येक परिवार की आहार पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हुआ यह कॉन्ट्रैक्ट 18 जून 2021 से प्रभावी हो चुका है। दूसरा, चैम्स प्रणाली। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एंड माइक्रो इरिगेशन प्रोसेस सिस्टम यानी चैम्स दिनांक 1/4/2017 से प्रारंभ किया गया, जिसमें कृषकों को अनुदान पर शक्ति चलित कृषि यंत्र, सिंचाई पंप तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली उपलब्ध कराई जाती है।
तीसरा जैविक खाद संयंत्र अभनपुर, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा छोटे उरला अभनपुर में जैव उर्वरक संयंत्र की स्थापना 2010 में की गई। 2011 से जैव उर्वरक का उत्पादन महानदी ब्रांड से किया जा रहा है। 2018-19 से तरल जैव उर्वरक का उत्पादन शुरू किया गया है, जिसकी क्षमता 1,00,000 लीटर प्रति वर्ष है। बायो फर्टिलाइजर संयंत्र में तरल जैव उर्वरक का उत्पादन 100, 250, 500 और 1000 मिलीलीटर की पैकिंग के तहत किया जा रहा है। चौथा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2019 की शुरुआत की गई। खरीफ मौसम 2021 से कृषि एवं उद्यानिकी फसल उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष 9,000 रूपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता दी जा रही है, जबकि सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान, दलहन, तिलहन, उद्यानिकी फसल को प्रति एकड़ 10,000 प्रति वर्ष का प्रावधान किया गया है। वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 3 वर्षों तक आदान सहायता दी जाएगी। पांचवा, अक्ति बीज संवर्धन योजना। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को धान, गेहूं, कोदो, कुटकी, रागी के आधार या प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए 500 रूपए प्रति क्विंटल तथा वितरण दर पर 500 रूपए प्रति क्विंटल अनुदान दिया जाता है, जबकि तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं वितरण पर 1000 प्रति क्विंटल अनुदान का प्रावधान है। छठवां, राम तिल उत्पादन प्रोत्साहन योजना। राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में राम तिल फसल के उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों को निःशुल्क बीज, मिनी किट, उर्वरक, प्रशिक्षण तथा फसल प्रदर्शन पर अनुदान शामिल है। यह योजना प्रदेश के 9 जिलों क्रमशः बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर में लागू की गई है। सातवां, दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना। योजना अंतर्गत प्रदेश में दलहनी फसलों के क्षेत्र विस्तार तथा दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 वर्ष से अधिक प्रजाति के बीज उत्पादन पर 1,000 रूपए प्रति क्विंटल की दर से उत्पाद अनुदान का प्रावधान किया गया है। आठवां, किसान समृद्धि नलकूप योजना। प्रदेश के कृषकों को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नलकूप खनन पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को 43,000, अन्य पिछड़ा वर्ग के कृषकों को 35,000 तथा सामान्य वर्ग के कृषकों को 25,000 अधिकतम अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। नौवां, शाकंभरी योजना। राज्य में सिंचाई रकबे में वृद्धि करने तथा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत का सिंचाई में समुचित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सभी वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषकों को 0.5 से 5 हॉर्स पावर तक के पंप क्रय करने पर 75% अधिकतम 16,875 रूपए एवं कुआं निर्माण पर 50% अधिकतम 22,500 रूपए अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। दसवां, जैविक खेती मिशन। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु मिशन का शुभारंभ 2013-14 में 5 जिलों, जिसमें रायपुर, रायगढ़, बालोद, कोरिया और दंतेवाड़ा शामिल है, के 1,010 एकड़ क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। 2016-17 में 5 जिलों, जिसमें दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं गरियाबंद है, को पूर्ण जैविक जिला तथा शेष 22 जिलों के एक एक विकास खंड को पूर्ण जैविक विकास खंड में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15,000 एकड़ क्षेत्र में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्यारहवा, कृषि सुधार हेतु विस्तार कार्यक्रम आत्मा। कृषि एवं समवर्गीय क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के प्रचार प्रसार, क्षमता विकास के उद्देश्य से यह योजना संचालित है। वर्तमान में कुल 78 फार्म स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। शासकीय विस्तार अमले और किसानों के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक 2 ग्रामों में एक किसान संगवारी रखने का भी प्रावधान किया गया है। मार्च 2022 तक की स्थिति में 8,903 किसान संगवारी कार्यरत थे। बारवा, TRFA या टारगेटिंग राइस फेलो एरिया योजना। योजना का मुख्य उद्देश्य धान आधारित द्विफसली भूमि में दलहन एवं तिलहन क्षेत्र का विस्तार है। यह योजना मार्च 2022 तक की स्थिति में गरियाबंद, रायगढ़, राजनांदगांव, कांकेर, कोंडागांव, सरगुजा, बिलासपुर, बलौदा बाजार, बस्तर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही तथा बलरामपुर में क्रियान्वित है। तेरहवा, मिलेट्स लघु धान्य मिशन। राज्य के 20 जिलों के 85 आदिवासी बाहुल्य विकास खंडों में वर्ष 2022-23 से मिलेट्स मिशन प्रारंभ किया जाएगा।
योजना लागू होने से कोदो, कुटकी एवं रागी के फसल क्षेत्र में उत्पादकता के विस्तार के साथ मिलेट्स का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन से कृषकों की आय में वृद्धि तथा मिलेट्स प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन की विपणन व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी तय की गई थी। आइए अब एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना का प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत संचालक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान समिति को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिशन का संचालक नियुक्त किया गया है। आइए अब देखते हैं कि मिशन के मुख्य उद्देश्य कौन से थे। पहला, छत्तीसगढ़ के चयनित जिलों में धान, दलहन एवं मोटे अनाज फसलों के क्षेत्र में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन को भी बढ़ाना। दूसरा, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता स्तर का संरक्षण करना। तीसरा, कृषि में रोजगार के अवसरों का सृजन करना। चौथा, खेतों के माध्यम से किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। आइए अब देखते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किन जिलों का चयन किया गया था। पहला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल के अंतर्गत 13 जिले जिसमें रायपुर, बलौदाबाजार, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, कोरिया, जशपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर हैं। दूसरा, राष्ट्रीय खाद्य मिशन दलहन के अंतर्गत समस्त जिले हैं। तीसरा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटे अनाजों के अंतर्गत 8 जिले जिसमें गरियाबंद, कोरिया, सुरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर थे। चौथा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्री सीरियल्स के अंतर्गत 10 जिले जिसमें बलरामपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कवर्धा, कांकेर, कोंडागांव, कोरिया, सुकमा, राजनांदगांव तथा सरगुजा शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में 20 से अधिक जिलों में मिलेट्स का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट्स के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 में मिलेट मिशन का प्रारंभ किया गया। राज्य में परंपरागत रूप से कोदो, कुटकी तथा रागी की खेती की जाती रही है, परंतु इसके उपार्जन एवं प्रसंस्करण हेतु कोई नीति अथवा कार्यक्रम न होने के कारण कृषकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। राज्य शासन द्वारा 2020-21 से कोदो, कुटकी एवं रागी का प्रथम बार समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से क्रय की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। कोदो कुटकी के लिए 3000 रुपए प्रति क्विंटल तथा रागी के लिए 3377 रुपए प्रति क्विंटल की व्यवस्था भी की गई। ग्लूटेन युक्त मिलेट्स उच्च पौष्टिक धान्य हैं। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के पश्चात न केवल प्रदेश के किसान ही लाभान्वित हो रहे हैं, बल्कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ का सपना भी साकार हो रहा है। धन्यवाद।